रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलो मैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था जब यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलो मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में मैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बरहोवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फिक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजा एलिजाविथ शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग ग्रनवर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया है इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन डन जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्थ अगस्त टू में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम में एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइन्टी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेवास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकन्स ने डॉक्टर सारा कैनेडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉ स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेस का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का करैक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको ज़रूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है एलिजाबैथ शू की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफ कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी मूवी है हॉलोमैन मूवी क्योंकि नाइन्टी मिलियन डॉलर्स डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आई पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को वन लैख थर्टी लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी मैक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी ज़रूर से देख सकते हो तो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलोमैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था जब यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलोमैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में हॉलोमैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बेरहोवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फिक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजा एलिजाब शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग ग्रनवर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन एन जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू थाउजेंट में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्थ अगस्त टू थाउजेंट में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम में एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइन्टी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है हॉलोमैन मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेबास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकिस ने डॉक्टर सारा कैनडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉ स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेस का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का कैरेक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको जरूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है एलिजाबैथ शू की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी मूवी है हॉलोमैन मूवी क्योंकि नाइन्टी मिलियन डॉलर डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आई पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को वन लैख थर्टी लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी ओमैक्स पर देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी ज़रूर से देख सकते हो तो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलोमैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था जब यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलो मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में हॉलोमैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बरहोवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फ़िक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्री डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजा एलिजाव शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग ग्रनवर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया है इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन एनर्जी जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्थ अगस्त टू में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइन्टी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि, कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है मैन मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेवास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकिस ने डॉक्टर सारा कैनेडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉ स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेस का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का करैक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको जरूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है विद शू की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफ कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी मूवी है हॉलो मैन मूवी क्योंकि नाइन्टी मिलियन डॉलर डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आई पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को वन लैख थर्टी लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी जरूर से देख सकते हो तो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलोमैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब भी यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलो मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में हॉलोमैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बर्होवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फ़िक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजा एलिजाब शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग ग्रनवर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन एन जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू थाउजेंट में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्थ अगस्त टू थाउजेंट में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइनटी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेवास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकन्स ने डॉक्टर सारा कैनेडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉ स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेस का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का करैक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको जरूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है एलिजाबैथ शू की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी मूवी है हॉलोमैन मूवी क्योंकि नाइन्टी मिलियन डॉलर्स डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आई पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को वन लैख थर्टी लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी मैक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी ज़रूर से देख सकते हो तो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 तो में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलोमैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था जब यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलो मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में हॉलोमैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बेरहोवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फ़िक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो मैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजा एलिजाब शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग ग्रनवर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया है इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जैरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन एन जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्थ अगस्त टू में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइन्टी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है हॉलोमैन मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेबास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकिस ने डॉक्टर सारा कैनेडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेस का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का करैक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको जरूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है एलिजाबैथ शू की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी मूवी है हॉलोमैन मूवी क्योंकि नाइन्टी मिलियन डॉलर डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आई पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को वन लैख थर्टी लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी ओमैक्स पर देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी ज़रूर से देख सकते हो तो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलोमैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था जब यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलो मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में मैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बरहोवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फिक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में अलीज़ाविथ एलिजाबेथ शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग ग्रनवर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया है इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन डन जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्थ अगस्त टू में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम में एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइन्टी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेवास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकन्स ने डॉक्टर सारा कैनेडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेस का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का करैक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको ज़रूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है एलिजाबैथ शू की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफ कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी मूवी है हॉलोमैन मूवी क्योंकि नाइन्टी मिलियन डॉलर डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आई पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को वन लैख थर्टी लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी मैक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी ज़रूर से देख सकते हो तो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलोमैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था जब यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलोमैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में हॉलोमैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बेरहोवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने की काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फिक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजा एलिजाब शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग ग्रनवर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया है इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन एन जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्थ अगस्त टू में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम में एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइन्टी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि, कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है हॉलोमैन मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेबास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकन्स ने डॉक्टर सारा कैनेडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉ स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेस का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का कैरेक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको जरूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है एलिजाबैथ शू की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी मूवी है हॉलोमैन मूवी क्योंकि नाइन्टी मिलियन डॉलर डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आई पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को वन लैख थर्टी लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी ओमैक्स पर देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी ज़रूर से देख सकते हो तो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलोमैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था जब यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलो मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में मैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बरहोवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फिक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्री डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी के गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्री डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजा एलिजाव शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग ग्रनवर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया है इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन एनर्जी जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्थ अगस्त टू में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइन्टी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है हॉलोमैन मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेबास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकिस ने डॉक्टर सारा कैनेडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉ स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेस का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का करैक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको जरूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है एलिजाबैथ शू की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफ कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी मूवी है हॉलो मैन मूवी क्योंकि नाइन्टी मिलियन डॉलर डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आई पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को वन लैख थर्टी लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी मैक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी जरूर से देख सकते हो तो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलोमैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब भी यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलो मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में हॉलोमैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बैरहोवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फ़िक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजा एलिजाब शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग ग्रनवर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन एन जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू थाउजेंट में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्थ अगस्त टू थाउजेंट में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइनटी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेवास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकन्स ने डॉक्टर सारा कैनेडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉ स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेस का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का करैक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको जरूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है एलिजाबेथ शू की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी मूवी है हॉलोमैन मूवी क्योंकि नाइन्टी मिलियन डॉलर्स डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आई पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को वन लैख थर्टी लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी मैक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी ज़रूर से देख सकते हो तो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 तो में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलोमैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था जब यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलो मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में हॉलोमैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बेरहोवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फ़िक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो मैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजा एलिजाब शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग ग्रनवर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया है इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जैरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन एन जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्थ अगस्त टू में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइन्टी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है हॉलोमैन मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेबास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकिस ने डॉक्टर सारा कैनेडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेस का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का करैक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको जरूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है एलिजाबेथ शो की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी मूवी है हॉलोमैन मूवी क्योंकि नाइन्टी मिलियन डॉलर डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आई पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को वन लैख थर्टी लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी ओमैक्स पर देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी ज़रूर से देख सकते हो तो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलोमैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था जब यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलो मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में मैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बरहोवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फिक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में अलीज़ाविथ एलिजाबेथ शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग ग्रनवर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया है इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन डन जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्थ अगस्त टू में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम में एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइन्टी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि, कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेबास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकन्स ने डॉक्टर सारा कैनेडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉ स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेस का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का करैक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको ज़रूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है एलिजाबैथ शू की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफ कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी मूवी है हॉलोमैन मूवी क्योंकि नाइन्टी मिलियन डॉलर डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आई पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को वन लैख थर्टी लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी मैक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी ज़रूर से देख सकते हो तो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलोमैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था जब यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलोमैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में हॉलोमैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बेरहोवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फिक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग लेस विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजा एलिजाब शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग वर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन एन जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्थ अगस्त टू में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम में एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइन्टी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है हॉलोमैन मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेबास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकन्स ने डॉक्टर सारा कैनेडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेस का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का करैक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको जरूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है एलिजाबैथ शू की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी मूवी है हॉलोमैन मूवी क्योंकि नाइन्टी मिलियन डॉलर डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आई पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को वन लैख थर्टी लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी ओमैक्स पर देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी ज़रूर से देख सकते हो तो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलोमैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था जब यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलो मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में हॉलोमैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बरहोवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने की काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फिक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्री डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी के गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजा एलिजाव शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग ग्रनवर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया है इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन एनर्जी जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्थ अगस्त टू में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइन्टी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि, कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है मैन मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेवास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकिस ने डॉक्टर सारा कैनेडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉ स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेस का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का करैक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको जरूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है विद शू की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफ कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी मूवी है हॉलो मैन मूवी क्योंकि नाइन्टी मिलियन डॉलर डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आई पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को वन लैख थर्टी लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी जरूर से देख सकते हो तो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलोमैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब भी यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलो मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में हॉलोमैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बेरहोवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फ़िक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजा एलिजाब शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग ग्रनवर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन एन जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू थाउजेंट में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्थ अगस्त टू थाउजेंट में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइनटी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेवास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकन्स ने डॉक्टर सारा कैनडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉ स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेस का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का करैक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको जरूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है एलिजाबेथ शू की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी मूवी है हॉलोमैन मूवी क्योंकि नाइन्टी मिलियन डॉलर्स डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आई पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को वन लैख थर्टी लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी मैक्स पर देख सकते हो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी ज़रूर से देख सकते हो तो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलोमैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था जब यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलो मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में हॉलोमैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बेरहोवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फ़िक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो मैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजा एलिजाब शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग ग्रनवर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया है इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जैरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन एन जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्थ अगस्त टू में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइन्टी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है हॉलोमैन मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेबास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकिस ने डॉक्टर सारा कैनेडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेस का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का करैक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको जरूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है एलिजाबैथ शो की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी मूवी है हॉलोमैन मूवी क्योंकि नाइन्टी मिलियन डॉलर डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आई पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को वन लैख थर्टी लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी ओमैक्स पर देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी ज़रूर से देख सकते हो तो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलोमैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था जब यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलो मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में मैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बरहोवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फिक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में अलीज़ाविथ एलिजाबेथ शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग ग्रनवर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया है इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन डन जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्थ अगस्त टू में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम में एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइन्टी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेबास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकन्स ने डॉक्टर सारा कैनेडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेस का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का करैक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको ज़रूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है एलिजाबैथ शू की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफ कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी मूवी है हॉलोमैन मूवी क्योंकि नाइन्टी मिलियन डॉलर डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आई पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को वन लैख थर्टी लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी मैक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी ज़रूर से देख सकते हो तो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 में रिलीज हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलोमैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था जब यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलोमैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में हॉलोमैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बेरहोवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने की काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फिक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजा एलिजाब शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग ग्रनवर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन एन जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्थ अगस्त टू में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम में एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी फाइव मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइन्टी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है हॉलोमैन मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेबास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकिस ने डॉक्टर सारा कैनडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेस का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का करैक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको ज़रूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है एलिजाबेथ शू की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी ही टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी भी है हेलो मैन मूवी क्योंकि 95 मिलियन डॉलर्स डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग 190 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आईएमडीबी पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को 134000 लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी ओमैक्स पर देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी ज़रूर से देख सकते हो तो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलोमैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था जब यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलो मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में हॉलोमैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बरहोवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फ़िक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्री डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजा एलिजाव शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग ग्रनवर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया है इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन एनर्जी जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्थ अगस्त टू में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइन्टी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि, कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है मैन मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेबास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकिस ने डॉक्टर सारा कैनेडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉ स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेस का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का करैक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको जरूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है विद शो की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफ कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी मूवी है हॉलो मैन मूवी क्योंकि नाइन्टी फाइव मिलियन डॉलर्स डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग वन नाइन्टी मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आई पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को वन लैख थर्टी लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी मैक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी जरूर से देख सकते हो तो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलोमैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब भी यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलो मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में हॉलोमैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बेरहोवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फ़िक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग लेस विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजा एलिजाब शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग ग्रनवर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जेरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन एन जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू थाउजेंट में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स तो में फोर्थ अगस्त टू थाउजेंट में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइनटी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेवास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकन्स ने डॉक्टर सारा कैनेडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉ स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेस का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का करैक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको जरूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है एलिजाबेथ शू की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी मूवी है हॉलोमैन मूवी क्योंकि नाइन्टी मिलियन डॉलर्स डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आई पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को वन लैख थर्टी लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी मैक्स पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी ज़रूर से देख सकते हो तो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलो मैन मूवी के बारे में यह मूवी वैसे तो 2000 तो में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हॉलोमैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब यह, यह मूवी रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को तब भी पसंद किया था जब यह, यह मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी साल बीत चुके हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी हॉलो मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हॉलो मैन मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको हॉलो मैन मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इस मूवी को लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा कितने बजट में हॉलोमैन मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैन मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल बेरहोवन ने जो कि एक डच फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ सिनेमा को दी हैं उन्होंने ज़्यादातर साइंस फ़िक्शन मूवीज़ एंड ड्रामा मूवीज़ बनाई हैं उसके आगे स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो मैन मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड्रयू एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की गैरी स्कॉट थम्पसन ने एंड एंड्रयू डब्ल्यू मैरलोव ने उसके आगे प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी को प्रोड्यूस किया है डॉग विक ने एंड एलान मार्शल ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में एलिजा एलिजाब शू देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैविन बैकन देखने को मिल जाते हैं जॉस ब्रॉलिन देखने को मिल जाते हैं एंड उसके आगे किम डिकेंस देखने को मिल जाते हैं एंड ग्रैग ग्रनवर्ग भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉस्ट बैकेनो ने एंड एडिट किया है इस मूवी को मार्क गोल्ड ब्लैट ने म्यूजिक किया इस मूवी का जैरी गोल्ड स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं हॉलोमैन मूवी के कोलंबिया पिक्चर्स रेड वैगन प्रोडक्शंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस जी एम बी एच एंड कंपनी मैंडियन एन जी के जी और डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉलोमैन मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ये मूवी जर्मनी में ट्वेल्व अक्टूबर टू में रिलीज़ हुई थी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्थ अगस्त टू में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का रनिंग टाइम एक सौ बारह मिनट्स है और यह मूवी ऑफिशियली जर्मनी में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई थी लैंग्वेज इस मूवी का ऑफिशियल इंग्लिश है लेकिन यह मूवी आपको हिंदी डव्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का बजट नाइन्टी मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन नाइन्टी मिलियन डॉलर्स का रहा था एक्ट्रेस की बात की जाए कि, कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है हॉलोमैन मूवी में सबसे बड़े लीडिंग रोल में एलिजाबैथ श्यू ने लिंडा एमसी के का कैरेक्टर निभाया है कैबिन बैकोन ने डॉक्टर सेवास्टियन केन का कैरेक्टर निभाया है जॉस ब्रॉलिन ने मैट का कैरेक्टर निभाया है किम डैकिस ने डॉक्टर सारा कैनेडी का कैरेक्टर निभाया है ग्रैग ग्रूनबर्ग ने कार्टर एबे का करैक्टर निभाया है जो स्लॉटनिक ने फ्रैंक चेज का करैक्टर निभाया है मैरी जो रेडल ने जेनाइस वाल्टन का करैक्टर निभाया है विलियम डेवेन ने डॉक्टर हॉवर्ड क्रैमर का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की तो इस मूवी में आपको सबसे इस मूवी में जो जॉनर की बात की जाए तो हॉलोमैन मूवी का जॉनर साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है पॉल बरहोवन द्वारा डायरेक्ट एंड इस मूवी का एंड्रयू डब्ल्यू मार्लो द्वारा काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया था जब यह मूवी बनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की अगर आपको साइंस फिक्शन हॉरर मूवी से देखना पसंद है तो इस मूवी की स्टोरी आपको जरूर से पसंद आएगी एंड इस मूवी की पूरी टीम ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया है एलिजाबैथ शो की लीडिंग रोल में कमाल की एक्टिंग के साथ साथ को एक्ट्रेस का भी अच्छा काम आप हॉलोमैन मूवी में देख पाओगे सरमाइटोग्राफी कमाल की एडिटिंग कमाल की पूरी टीम ने बा कमाल काम इस मूवी में किया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ी मूवी है हॉलोमैन मूवी क्योंकि नाइन्टी मिलियन डॉलर डॉलर्स के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग वन मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी आई पर इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है लगभग इस मूवी को वन लैख थर्टी लोगों ने रेटिंग किया है एंड इसके आगे बात की जाए कि कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो तो इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो एच वी पर देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है एंड नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इंडिया में रहते हो तो आप जी फाइव पर भी ज़रूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना